start. Good morning, students. Myself am Avashne and I will teach you science subject. Now let us continue chapter first, nutrient in plants. आपके पहले chapter का name है nutrient in plants. अब हम सबसे पहले ये समझेंगे कि nutrition. Nutrition होता क्या है? अब nutrition को भी समझने के लिए हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि nutrients क्या होते हैं. Nutrients. हम लोगों की सेल है वो हमारा जो सेल
यही फोटोसिंथेसिस प्रोसेस जो है कैरी करता है। ठीक है, ये जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है मेनली लीव्स में होती है, प्लांट्स के लीव्स पार्ट में, इसलिए जो लीव्स का कलर होता है वो ग्रीन होता है क्लोरोफिल की प्रेजेंस के द्वारा। स्टेम में जो क्लोरोफिल की मात्रा होती है वो थोड़ी लीव से कम होती है, इसलिए जो स्टेम्स होती है वो भी ग्रीन होती है। उन लोगों का हो गया बच्चों कि कुछ ऐसे स्टेम्स होते हैं जिनके येलो कलर के स्टेम्स होते हैं, जिसके ब्राउन कलर के, उसमें डिफरेंट टाइप्स के क्या होते हैं पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे फोटोसिंथेसिस वो प्रोसेस होती है जिसमें जो प्लांट्स होते हैं अपना फूड प्रिपेयर कर रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल पिगमेंट्स। ठीक है, क्या है जो हमारा सन होता है वो लीव्स पे क्या है रोशनी पड़ रही है। ठीक है, जो हमारी लीव्स है वो उसको लाइट को ट्रैप कर रहा है, और हमारे जो सन है उसमें बहुत सारी डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जीज होती है, और लीव्स में हमारा क्लोरोफिल आपका पिगमेंट होती है, क्लोरोफिल में भी ये क्लोरोफिल जो होता है क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट होता है। किसमें प्रेजेंट होता है? क्लोरोप्लास्ट में। ही हमारे लीव्स में एक स्ट्रक्चर है। ठीक है, उसमें क्या होता है कि जो भी हमारा CO2 एटमोसफेयर से लिया जा रहा है वो हमारा टूट के ऑक्सीजन बना रहा है। ठीक है, और हमारा ग्लूकोज फॉर्मेशन हो रहा है, मतलब फूड प्रोसेस हो रही है। ठीक है, इसमें क्या होता है कार्बन डाइऑक्साइड एयर से लेके प्लस जो हम वाटर डालते हैं प्लांट्स में वो दोनों मिलकर सनलाइट की प्रेजेंस में क्या बना रहे हैं फूड बना रहे हैं, प्लस एनर्जी मिल रही है और प्लस ऑक्सीजन। ठीक है, ये हमारी प्रोसेस जो है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है। क्या देखो फोटोसिंथेसिस वो प्रोसेस है जिसमें प्लांट्स जो है अपना फूड प्रिपेयर कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल पिगमेंट इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। जो भी हमारी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होती है वो मेनली का दिन में होती है, डे में होती है। कुछ ऐसे भी प्लांट्स हैं जो हमारे रात में भी फोटोसिंथेसिस करते हैं, मगर जो उसका रेट होता है वो दिन से कम होता है। ऐसी बात नहीं है कि प्लांट्स रात में करते रहिए फोटोसिंथेसिस प्रोसेस नहीं करते हैं, अपना फूड नहीं बनाते, वो रात में भी फूड बनाते हैं। अगर वो रात में फूड नहीं बनाएंगे तो एक टाइम ऐसा आ जाएगा कि दिन में शॉर्टेज हो जाएगी, दिन का फूड वो पूरा रात में यूटिलाइज करेंगे फिर उनका बचेगा नहीं, अगले दिन तक वो डेड हो जाएंगे। तो ऐसा नहीं होता है, वो अपने रात में फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करते हैं, मगर उसका जो रेट होता है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करने का वो बहुत ज़्यादा थोड़ा कम हो जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है जो हमारी एटमॉस्फेयर से जो CO2 मिल रही है और प्लस हम जो वाटर डाल रहे हैं उन दोनों से मिलकर सनलाइट की प्रेजेंस में क्या फूड बन रहा है। अब फूड किस फॉर्म में बन रहा है? ये फूड हमारा जो बन रहा है स्टार्च फॉर्म में बन रहा है। ठीक है, और प्लस एनर्जी मिल रही है, भाई प्लांट्स को भी एनर्जी की